अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा बंदा है जिसका लेवल 1 है और वो सीजन 1 कॉन्करर है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डिसलाइक कर देना अगर आपको मैंने ऐसा नहीं दिखाया, लेवल 1 का बंदा है और सीजन 1 कॉन्करर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं ऐसी 7 मिस्टीरियस गोस्ट स्टडीज, जिसको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव केवर, और आगे वापस एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। सो दोस्तों आज की वीडियो में वापस आ गए हैं BGMI या पबजी की गोस्ट आईडी के साथ। अब जो ये दोस्तों हमारी सीरीज है, ये यार महीने में एक या दो बार मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख रहा। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से बढ़ते हैं पहले अपने स्पॉन्सर पर। अभी मेरी तरफ यूसी और मेरे पास लेना चाहते हो तो एक मस्ट्रिक बताता हूं। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल गूगल पर सर्च करना है www.skillclash.com और वहां पर जाने साइन अप कर देना है। आपको यहां से नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर देना है, लेटेस्ट ऑफर और टूर्नामेंट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। यहां पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉपर, रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हो, वो भी फ्री में, और BGMI में यूसी भी आराम से टॉप अप कर सकते हो। उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है, क्योंकि आप जीते हुए पैसे फटाफट ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई और अमेज़न पे से, यहां तक कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिचार्ज भी कर सकते हो। सबसे यूनिक बात तो यह है कि यहां पर हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। अभी स्किल क्लैश पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो, तुरंत स्किल क्लैश पर जाओ, अपने फ्रेंड को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो, ढेर सारे पैसे कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ID number 7। सो दोस्तों जो मैं ID number 7 आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पबजी हुआ ग्लोबल की आईडी है। इस बंदे का नाम देख सकते हो गेमिंग ओसा है, ये मलेशिया का बंदा है। अब जैसी ही भाई मैं इसकी आईडी खोलूंगा, बूम, अब भाई देख पा रहे हो यार, आपको एक रईस का ठोका दिख रहा होगा, जिसके पास आप देख पा रहे हो कि काली लंबारी भी है, और मतलब वो वाली भी है जो ग्लेशियर वाली भी है, मतलब ग्लेशियर वाली। पर आपको इसकी आईडी में मतलब क्या चीज़ है, इस बंदे का लेवल देखो, इस बंदे का सिर्फ 20 लेवल है और ईवो ग्राउंड का भी 6 ही लेवल है। और भाई देख पा रहे हो कि ये लैम्बोर्गिनी जो है 2-2 लाख रुपये की यूसी के, सारी की सारी जो अभी आई थी स्केलेटन वाली भी, वो भी मैक्स कर रखी है, मतलब एक्स सूट वगैरह सब चीज़ मैक्स, मिथिक फैशन आईडी बस 20 लेवल की। भाई ये क्या मजाक हो रहा है, मतलब लिटरली इन्होंने गेम को मजाक बना रखा है, गेम खेलते हैं यूसी के लिए करते हैं। अब दोस्तों यार इस बंदे का लिटरली क्या ही कहना है, मतलब बंदे आप देख पा रहे हो इसी सीजन आईडी बनाई है, सब चीज़ इसमें जो उतने भी आज तक आइटम आया ना, सबका सब आइटम है। ये पबजी में ग्लोबल की आईडी है, लिटरली भाई बवासीर आईडी है, मतलब बवासीर क्या, बवासीर बंदा है भाई ये क्या, मतलब अब ये बंदे ने आपको गारंटीड सोच रहे होगे कि इसने लेजिट मनी लगाया है, नहीं मेरे को तो नहीं पता, पर मैं अपने जो सोचता हूँ मेरा ओपिनियन ये है कि इसने झोल माल के यूसी लगाया है। अब आप क्या सोचते हो कमेंट बताना। भाई देख पा रहे हो इस बंदे ने सिर्फ 23 मैच खेले आज तक और इतना सब कुछ मैक्स कर दिया। दोस्तों क्या आप, अगर आप पे अगर इतना पैसा होता, आप पे करोड़ों रुपए होते, तो क्या आप भी ऐसे अपनी कोई नई आईडी में इतना रुपए लगाते, कमेंट में मुझे जरूर बता देना। नंबर 6। सो दोस्तों नंबर 6 पे जो आईडिया थी, ये अपने BGMI की आईडी है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। ऐसी यार हम इस बंदे की आईडी खोलते हैं ना, दादा नाम के बंदे की, भाई आपको इसके आईडी में ऐसा कुछ खास तो लग नहीं रहा होगा। आप देख पा रहे हो भाई सिंपल सी एक ड्रेस वगैरह है, मतलब इसमें यार ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा। पर मैं अगर आपको जो अब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, आप शोक हो जाओगे। इस बंदे के पास देख पा रहे हो आप, ये जो ड्रेस देख पा रहे हो, ये रॉयल पास में आपको पता है किस पे मिलती है, ये रॉयल पास लेने पे मिलती है, और इस बंदे ने तो आज तक रॉयल पास भी नहीं लिया। अब भाई देख पा रहे हो इस बंदे का आईडी बने इसी सीजन, इसने आईडी बनाया, मतलब इससे प्रीवियस सीजन बनाया था 2 RP इस सीजन, मतलब इस बंदे में रॉयल पास कैसे आया। अब ये सोच रहे हो कि ड्रेस कौन सी है, ये ड्रेस आप देख पा रहे हो सर, जो 650 डब्बे पे जो मेरे ड्रेस मिलती है, ये वो वाली ड्रेस है। तो भाई अब क्वेश्चन उठता है, इस बंदे के पास जो 650 डब्बे पे मिलती है ड्रेस, वो कहाँ से आ गए। अब दोस्तों मेरा तो दिमाग घूम गया, कोई अगर इसका जवाब दे सकता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं आपका आंसर जरूर जानना चाहूँगा, देखते हैं आप में से कितने बंदे सही आंसर बताते हैं। ID number 5। सो दोस्तों ID number 5 आती है, ये अपने BGMI की ही आईडी है, जो कि मेरे को भाई ऋषि भाई ने अपनी आईडी खुद प्रोवाइड की इंस्टाग्राम पे। अगर आप पे भी कोई इसी आईडी तो इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले जो इनकी आईडी में मिस्टीरियस चीज़ आती है, जैसे देख पा रहे हो ये कॉन्करर गए C2S5 में, पर इनके साथ जो पता है इन्होंने एक भी चिकन डिनर नहीं लिया, मतलब 0 चिकन के साथ मतलब कॉन्करर चले गए। खैर ये तो नॉर्मल बात है, आजकल तो ये बहुत से बंदे कर लेते हैं, पर मेन चीज़ आती है ये इनकी जो क्लैन है वो लेवल 10 की क्लैन है। अब मैं आपको बता रहा था BGMI की सबसे पहली ऐसी क्लैन है ईवो ग्राउंड वाली, जो कि लेवल 10 पे गई थी। मैं आपको बता रहा था, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, ये एकदम एक महीने पहले ही चली गई थी जो मैंने अभी देखी है। और मैं आपको बता रहता हूँ इससे पहले ही 5-6 क्लैन और थी, जो कि मतलब 2-3 दिन के
की ऐप पे ही सबकी सब लेवल 10 पे गई थी। मेरे को सबका नाम नहीं पता, तो सो सॉरी। अगर आपको उनका नाम पता तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और अब के टाइम पर बहुत सारी कम से कम 30-40 क्लैन हो गई है जो कि लेवल 10 की है, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से 10-15 तो देखी है। कमेंट में बताना आपकी कितने लेवल की क्लैन है। दोस्तों यार, आज की वीडियो का एम है 10,000 लाइक, 2 के कमेंट, देखते हो आप कर पाओगे या नहीं। आईडी नंबर 4। सो दोस्तों, जो आईडी नंबर 4 आती है ना, ये अपने पबजी ग्लोबल की आती है। सो करेंटली अगर आप पे ग्लोबल है ना, तो आपको आरपी रैंकिंग में सीजन 1 कॉन्करर का बंदा दिखेगा, एंड नंबर 1 पे जो बंदा है, नंबर 2 पे जो बंदा है ना, दोनों का सेम दिखेगा। अब मेरे को इतने ज़्यादा डीएम आए ना, मजाक सेट के कम 20 से लेकर 30 डीएम आए कि भाई सीजन 1 कॉन्करर का बंदा है नंबर 2 पे। आप झूठ बोल रहे, आपको कुछ नहीं पता कि ओनली एक ही, मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि ओनली ग्लोबल में एक ही ऐसा बंदा है जो कि सीजन 1 कॉन्करर है। तो अब मैं दोस्तों आपको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। जैसे देख पा रहे हो ना, ये करेक्टर आईडी आप मैच कर सकते हो। ये जो आईडी है, ये RRQD2 ही की आईडी है। उसने अपनी आईडी सेल कर दी थी, मतलब बेच दी उसने अपनी आईडी। अब देख पा रहे हो कि ग्लोबल का पीएमएससी ग्लोबल 2019 का भी दिखा रहा है, जो कि वो आपको पता ही है कि RRQ हर जीते ही थे। अब भाई जो इस, अब बात करते हैं इस आईडी की। इस आईडी को इस अरब के शेख ने खरीद लिया, मतलब लिटरली आते देख रहे हो सारी की सारी गन मैक्स कर दी। एंड ये तो कुछ नहीं भाई, मतलब भाई आप रॉयल पास अगर रैंकिंग में जाते हो, इस अरब को शेख बंदे को देखो, मतलब पहले नंबर पे इसके मेन अकाउंट है, दूसरे नंबर पे जो उसने अकाउंट खरीदा वो, मतलब अमांदो अल्फोंसो। मैं गारंटीड कह देता हूँ, जब मैं ग्लोबल खेलता था ना, मेरे को याद नहीं, ये बंदा मैंने पहले भी नाम देखा था इसका रॉयल पास रैंकिंग में नंबर 1 पे, 2-3 बार देखा है। पता नहीं यार ये कौन अरब का शेख है, मतलब भाई 60 लाख से भी ज़्यादा रुपए इसने फूंक दिए। अब ये तो कुछ नहीं, अब एक और चीज़ देखो, सीजन 1 कॉन्करर की आईडी में नंबर 1 पे जो बंदा है अमांदो अल्फोंसो, उसने भाई 43 मिलियन पॉपुलरिटी दे रखी है। चेक कर लो, 4 मिलियन नहीं, 43 मिलियन भाई, मतलब 353 प्लेन देख पा रही, 31,000 दे रखे है, वो भी सिंगल बंदे ने, मतलब सिंगल बंदे ने। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम देखें तो 50,000 यूसी में 1.5 मिलियन पॉपुलरिटी बढ़ती है, 5 लाख यूसी में बढ़ती है हमारी 12.5 मिलियन पॉपुलरिटी। अब 2 मिलियन यूसी में हमारी बढ़ेगी 50 मिलियन यूस, मतलब पॉपुलरिटी, मतलब भाई इसने भाई 17 लाख रुपये, हम कह सकते हैं 17 लाख रुपये खाली एक सिंगल अकाउंट में पॉपुलरिटी में देने में लगा दी सीजन 1 के कॉन्करर के लिए। मतलब भाई पागल है क्या ये बंदा, लिटरली अंधा पैसा, मतलब भाई मतलब ये मान लो 10 मिलियन यूसी ऐसी अंधा उड़ा दी, मतलब ये मान सकते हैं आप, 5 मतलब 6 मिलियन तो यहाँ उड़ा दी, 2 मिलियन यहाँ पे, मतलब 8-9 मिलियन यूसी, मतलब इस बंदे ने भाई रिकॉर्ड ही हासिल कर दिया, जो कि काफ़ी तगड़ा है। दोस्तों कमेंट बताना, अगर आप अंधा पैसा होता तो क्या आप इतना गेम में रुपया लगाते हैं नहीं, क्या ये जोल माल की यूसी है, ये भी बता देना कमेंट में। आईडी नंबर 3। सो दोस्तों, जो आईडी नंबर 3 आती है ना, ये बहुत मिस्टीरियस है, ये भी पबजी वाले ग्लोबल की आईडी है। अब भाई जैसे हम इसकी आईडी में जाते हैं ना, ये अलग आईडी है, मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी, इसकी पॉपुलरिटी नहीं थी, इस बंदे की 1.7 मिलियन पॉपुलरिटी भी है। मतलब जैसे अभी सोच रहे हो कि इस आईडी में क्या है, भाई इस आईडी की इतनी बड़ी भूतिया आईडी है, क्योंकि जैसे हम इसकी आईडी में हल्के से कुछ इधर उधर छेड़छाड़ करते हैं, इसका फ्रेम अपने आप ही चेंज हो जाता है। भाई देख रहे हो, अब एस का हो गया, पहले अलग था, अब देखो ब्रॉन्ज का हो गया, ये क्या भूतिया आईडी है भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई, मैं लिटरली मजाक सेट के, क्या भूतिया आईडी है, बार बार इसका चेंज हो रहा है, लिटरली बहुत ही भूतिया आईडी। कमेंट होता ना भाई, अब ब्रॉन्ज हो गया, अब ऐसी भूतिया आईडी से क्या ही बताएं, लिटरली। नंबर 2। सो दोस्तों अब बात कर लेते जिसका आप वेट कर रहे थे। भाई आप ये देख लो, सीजन 1 की कॉन्करर की पॉपुलरिटी में आपको एक बंदा दिखेगा, यूजर 55306। जैसे हम इस बंदे की प्रोफाइल में जाते हैं, देख पा रहे सीजन 1 कॉन्करर का फ्रेम आ गया अपना भी, और भाई एक लेवल का दिखा रहा है, और भाई देख पा रहे हो AKM दिखा रहा है यहाँ पे, भाई मतलब ये क्या सीन है। अब दिखा रहा है ये अकाउंट है पबजी मोबाइल इंडिया में माइग्रेट हो गया है, पबजी मोबाइल इंडिया तो कोई बना भी नहीं, BGMI बना है क्या, उसे ही कह रहा है ये। अब भाई जैसे हम इसकी प्रोफाइल में जाते हैं, मतलब इस बंदे की 8वें नंबर पर जो पॉपुलरिटी रहेंगे वो बंदा है ना, देख लो अब भाई मतलब एस मास्टर में आ गया, जैसे ऊपर गए, जैसे हम देखो ऊपर गए, अब क्राउन 1 में, भाई क्या भूतिया आईडी है। अब भाई सीजन 1 कॉन्करर दिखा रहा है। अब देखो दोस्तों, तुम्हारे भाई ने दिखा था ना, एक ऐसा बंदा दिखाऊंगा सीजन 1 कॉन्करर का लेवल 1 का, दिखा देना, अब इसी बात पर लाइक ठोक दो, बुद्धि तेज है ना मेरी। नंबर 1। सो दोस्तों नंबर 1 में जो बंदा आता है ना, ये अपने BGMI का बंदा है, इसका करेक्टर आईडी आप जब सर्च कर सकते हो, ये भी भाई बहुत ही बड़ा अलग ही लेवल का बंदा है। ये भैया इलोन चीचा है, अपने इलोन मस्क चीचा, जिन्होंने ट्विटर चीचा को खरीद दिया। अब आप सोच रहे हो कि इस आईडी में क्या है,
भाई आप पहले ये चीज देखो, ये बंदा लेवल एक का अकाउंट है इसका, ईवो लेवल भी बने, ये भी बने, आईडी बनी है अभी और 50 रॉयल पास कर रखा है। ये तो कुछ नहीं भाई, जैसी मैं यार रॉयल पास रैंकिंग में जाता हूँ, भाई आप देख पा रहे हो मैं बीजेएमआई में रॉयल पास रैंकिंग में जाता हूँ, तो ये जो बंदा है ना, ये बंदा रॉयल पास रैंकिंग में देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब ये बंदा 32वें नंबर पे रॉयल पास रैंकिंग में बैठा है। मतलब भाई एक लेवल का अकाउंट और भाई इतनी ज्यादा झोल माल की उसी ने लगा दी क्या पता नहीं क्या। अब भाई इस बंदे को आप क्या कहोगे, मेरे को तो झोल माल की उसी लगता है। एंड दोस्तों यार आज की वीडियो खत्म करने से पहले, अभी मैंने अपने दोस्त के साथ लूडो रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जी सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशन याद से ऑन रखना। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। बताना वीडियो कैसी लगी, क्या क्या कमी थी बता देना प्लीज कमेंट सेक्शन में। मिलता अपने अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।